वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने मैट्रिक्स चैप्टर शुरू किया होगा, उसमें जो हमने पुराने कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्ट्स के ऊपर मैं आज थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज की हैं, सब क्वेश्चन तो एक्सरसाइज के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मगर हाँ जो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट थोड़े टफ क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और जो कंसेप्ट हैं इन एक्सरसाइज में वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताए हैं। अगर आप में से कोई भी न्यू स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को पहले देखिएगा और फिर उसके बाद इन क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है? तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसमें आपको बताया हुआ है कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो, ये हमने प्रीवियस वीडियो करा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, वो मैं आपको बताता हूँ, जनरली पेपर में पूछ जाता है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स, आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है गिवन। एक मैट्रिक्स में आपको दी है 3x+7, 5y+1, 2-3x, एक मैट्रिक्स में आपको ये दी है, और ये आपको किसके इक्वल दी है, ये आपको दी हुई है 0, 8, 4y-2 को, या आपको इसके कोई ठीक। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप अपनी बुक में देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इक्वालिटी दी आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा क्वेश्चन हमने वीडियो में भी किया है, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैं अभी इधर ऐसा क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। माई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, 3x+7=0, इससे एक्स कितना आया, -7/3, 5 किसके इक्वल, y-2 के इक्वल, 2 आया इस तरफ, 5+2 7, तो एक्स वाई निकल। कुछ स्टूडेंट इसको इधर उधर के ऑप्शन को ठीक करते हैं, बिल्कुल गलत है, आपको सब चेक करने हैं। y+1=8, तो y आ गया 7, ठीक। लास्ट 2-3x=4, तो कितना आ गया, 3x उस तरफ ये इस तरफ, 2-4=3x, -2=3x, x=-2/3, तो आपको बस वैल्यू क्या आ रही है, x की -2/3, -7/3। क्या पॉसिबल है स्टूडेंट्स, पॉसिबल तो नहीं है, क्यों, क्वेश्चन है कि और हर इन क्वेश्चनों में जो x और y की वैल्यू है वो क्या होती है, यूनिक, मगर हम इसमें देख रहे हैं x की दो वैल्यूज आ रही है जो पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे Not possible to find. Not possible to find value of x. ठीक है? और जब आप उनके ऑप्शन देखोगे तो उन ऑप्शन के हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर है वो कौन सा आपका, सॉरी बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों, क्योंकि अगर x हमारा यूनिक आता तो फिर हम बोल देते हैं x की वैल्यू y की 7, y की निकल गई मगर x की नहीं निकल गई, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम वैल्यू से ही निकाल सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स जब मिस्टेक करते हैं वो बोल देते हैं एक्स की ये वैल्यू और वाई की ये वैल्यू है, तो ये एक्चुअल में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 9, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस एक्सरसाइज का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, ठीक है, आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है कौन सी, 3/3, मतलब आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो कितने होंगे, 9 क्यों होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/3, और बोल रहा है जो इसकी पॉसिबल एंट्रीज है वो सिर्फ क्या हो सकती है, आइदर 0 और 1, या तो 0 होगी या तो क्या होगी 1, तो आपको ऐसी मैट्रिक्स क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखिए अगर हमें 9 प्लेसेस फिल करनी है, तो एक्चुअल में अगर हम पुराना कॉम्बिनेशन परमुटेशन में जो हमने पढ़ा था वो कंसेप्ट लगाए, तो हमें 9 वैक्यूम प्लेसेस फिल करनी है। 9 वैक्यूम प्लेसेस क्यों फिल करनी है, क्योंकि आपको 9 प्लेसेस फिल करनी है,
मैट्रिक्स 3x3 बनाने के लिए, और एक पैटर्न प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज है, या तो 0 या तो 1, तो कितने वेज है, 2 वेज। सेट को फिल करने के लिए कितने वेज है, अगेन 0 1 2 वेज। सबको फिल करने के लिए कितने वेज है, 2 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 2 × 2 × 2 सो ऑन इनटू 2, और ये कितने टाइम्स हो रहा मल्टीप्लाई, 9 टाइम्स। और जब भी एक क्वांटिटी को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 9, और 2 की पावर 9 होता है 512। तो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स बनानी है और उस मैट्रिक्स में आपको 0 और 1 रखना है, तो आपके पास पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बन सकती है, 512। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कैसे। सपोज ये 0 1 1 0 0 0 0 0 ऐसी मैट्रिक्स जिनमें 0 1 ऐसी भी हो सकती है, सिर्फ ए की बन लो बाकी सारे 0, तो ऐसी मैट्रिक्स जिनमें बस 0 1 है, ये टोटल कितनी बन सकती है स्टूडेंट्स, 512। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में, जो मेरे हिसाब से थोड़े से डिफिकल्ट है। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसका ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नंबर डी।